रोल है। चैत्र के महा रामनवमी को लेकर देखिए पटना के महावीर मंदिर का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। इस वक्त पटना के महावीर मंदिर में लगातार जो है श्रद्धालुओं का भीड़ जनसैलाब एक तरफ से दिख रहा है। जिस तरीके से आज महा रामनवमी को लेकर पूरा पटना राम श्री राम के भक्ति में भक्ति जो है में लीन है और पूरा पटना आज पूरा राजधानी श्रीराममय हो चुका है। और नज़ारा पटना के महावीर मंदिर का है जो पटना के काफ़ी पुराना और काफ़ी प्रचलित महावीर मंदिर जहां लगातार भक्तों की कतार दिख रही है और लोग कल रात से ही इस मंदिर में प्रभु के नाम और श्री हनुमान का दर्शन करने कल रात से ही लाइन लगा रहे थे। और कल रात से ही यहां पर लाइन लगाने के बाद पूरा रात जगने के बाद आज जो भक्तगण हैं वो पहुँच रहे हैं और काफ़ी हर्षोल्लास है। तस्वीर जो है रामपथ पटना के महावीर मंदिर का सीधा साझा कर रहे हैं जहाँ कल रात से ही कतार लगा के कल रात तक बैठे हुए थे। पटना जंक्शन से आरगुआ गोलंबर तक सभी की लाइनें लगी हुई थी और आज श्रद्धालु जब उनको मौका मिला है तो सुबह 5 बजे से ही जब ये आज मंदिर में प्रवेश करने का जब अनुमति मिल गई है उस समय से काफ़ी भीड़ दिख रहा है। और न्यूज़ 22 इसके ऊपर वो खास पेशकश आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ सीधी तस्वीरें हैं जहाँ श्रीराम की भक्ति में आज पूरा राजधानी जो है पटा हुआ और पटना भी जो है पटा हुआ। देखिए किस तरीके से महिलाओं का यहाँ पर जो है पूरा कतार लगा हुआ है। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि पूरा वो पीछे से वो जहाँ से लोग अंदर आ रहे हैं वहाँ तक का तस्वीर आपको दिखा दें। जिस तरीके से लोगों में राम श्री राम के प्रति जो समर्पित जो है वो भावना है सदा है उसको लेकर सभी लोग जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं। कुछ लोग से हम बात भी कर लेंगे कि किस तरीके से कितना भाव कितना खुशी है। अच्छा बताइए आज रामनवमी है कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है, हम ड्यूटी में है। लाइन क्या लाइन पे कब मॉर्निंग ड्यूटी है, बहुत खुशी मिल रही है। अच्छा आंटी बताइए आज रामनवमी जय श्री राम कितना खुशी है? बहुत खुश हुए हैं। इतनी देर से लाइन? हाँ लाइन में लगे इतनी देर से हैं, बहुत खुश हैं। चलिए रामनवमी आज कितना बहुत खुशी मिल रहा है। कहाँ से आ रही है? पारा से आ रहा है। पारा से जी। यहाँ लाइन में कितने देर? बहुत दूर से वहाँ से लाइन लगा था। बहुत देर तक क्या कहेंगे आज रामनवमी आंटी? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। राम के प्रति ना जमाएंगे? हाँ। राम के प्रति आप क्या? हाँ आस्था है। कुछ यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। देखिए लगातार श्री राम को लेकर जो लोग हैं वो मंदिर में जा रहे हैं। क्या कहेंगे आंटी आज रामनवमी है कि रामनवमी को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। देर से यहाँ पे? 5 साल से पटना। हाँ। रामनवमी को लेकर क्या कहेंगे? रामनवमी को लेकर क्या कहेंगे? रामनवमी रामनवमी को लेकर क्या कहेंगे? लाइन मिला बस 5 मिनट से आ रही है हम लोग बाकी कैसे संस्थान से। रामनवमी को लेकर आज क्या कहना है? राम जी के प्रति कितना आस्था? राम जी के प्रति कितना आस्था है? बहुत बहुत बहुत। राम जी के प्रति कितना? राम के लिए कितना आस्था? अच्छा क्या कहेंगे आज रामनवमी है? आज रामनवमी है क्या कहेंगे? कितना आस्था? आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और हम इस दिन का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं और ये हमारे पूर्वज का आज बहुत बड़ा पर्व है। रामनवमी हमारे हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पर्व है। आज हम लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं। कहाँ से आ रही है? पटना से। अच्छा आज रामनवमी है क्या है? राम के प्रति कितना? बहुत खुशी है, बहुत आस्था है। तो लगातार जो है वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं तरीके से रामनवमी को लेकर पटना के महावीर मंदिर में। देखिए जो नजारा है वो कतारें जो है वो कम नहीं हो रही है और
लगातार भक्तों का जो है वो भीड़ बढ़ते जा रहा है। कल रात से ही भक्तगण जो है लाइन में लगे हुए थे और रामनवमी को लेकर कल से ही जो है वो लोग यहाँ पे रात से ही पहुँच रहे थे। और जिस तरीके से देखिए वो तस्वीर आपको हम पूरा साझा कर रहे हैं हमारे सहयोगी, जहाँ देखिए भक्तों का भीड़ आपको दिख रहा होगा, लगातार लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और श्री राम के आज श्री राम जी का जो है पूजा अर्चना हो रहा है। चैत्र का जो नौवां दिन है, जो नवरात्रि चलता है वो पहले दिन से स्टार्ट खत्म हो, तो आज नौवां दिन है और ऐसे में बात करेंगे। आज रामनवमी है क्या कहिएगा, कितना रामनवमी है क्या कहिएगा? बहुत ज़्यादा आस्था है भगवान राम के यहाँ, इतना भीड़ में हम लोग आए हैं। कहाँ से आ रही हैं? पहाड़ी पर से। तो पहाड़ी। अच्छा, कितना देर लाइन में लगना पड़ा? लगभग आधे घंटा से। हाँ। राम के प्रति काफी आस्था है, बहुत आस्था है। अच्छा, क्या कहेंगे, आज रामनवमी है, सबको रामनवमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे, आज राम जी का दिन है। कितना आस्था है राम जी में, भगवान राम में कितना? बहुत आस्था है, तभी तो सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। बस से लगे हुए? हाँ, पहले हम लोग को उधर गेट बंद कर दिया गया था, वहाँ पे लगे थे, फिर इधर से। चलिए, रामनवमी को लेकर क्या कहेंगे, कितना भगवान राम में, भगवान राम में कितना? राम भगवान में बहुत आस्था है मुझे, हम लोग राम भगवान का पूजा करके बहुत शांति मिलती है और बहुत खुशी मिलती है। राम भगवान से कृपा है कि हम लोग सब पे कृपा बनाए रखे। कितना देर लाइन में लगना? लाइन में तो ज़्यादा देर नहीं लगनी पड़ी है, हम लोग जल्दी पहुँच गए हैं अभी। पटना से जी। अच्छा, रामनवमी है, रामनवमी आज क्या कहना? बहुत सारा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और आज क्या क्या करने वाले? वही भगवान की पूजा, बहुत स्पेशल है आज के दिन, परिवार के साथ स्पेशल। हाँ। देखिए जो लोग हैं भक्तों का लगातार जो है जनसैलाब पटना के महावीर मंदिर में दिख रहा है, जहां लगातार जो है चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, सभी लोग आज इस रामनवमी में पटना के प्राचीन जो है महावीर मंदिर है उसमें जो है कल रात से ही लाइन लगाकर कतारों में खड़े होकर आज सभी लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि जो भी श्रद्धालु हैं उनमें काफ़ी भक्ति का भाव है और श्री राम के प्रति उनका जो भाव है वो काफ़ी समर्पित है। ऐसे में देखिए लगातार जो लोग हैं उनका भीड़ जो है नहीं खत्म हो रहा है। कुछ पुरुषों से भी बात करने का कोशिश करेंगे कि आखिर कितना खुशी मिल रहा है। देखिए जो हमारे सहयोगी हैं वो इधर थोड़ा सा दिखा दे कि जो एक तरफ जो है महिलाओं का कतार लगी हुई है और दूसरी तरफ जो है वो जेंट्स हैं। रामनवमी को लेकर क्या कहना? एक्चुअली रामनवमी मुझे हनुमान जी से बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है और ऑब्वियसली भक्त ऐसे होने चाहिए जो अपने आप को भगवान पे कुर्बान, मतलब कहते हैं ना कि न्यौछावर कर देना, तो बस इसी के लिए। और हनुमान जी से बहुत ज़्यादा ही भक्ति और लगाव है, इसलिए मैं आज यहाँ। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तुविहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।